आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। लाखों रुपए की कीमत का अवैध गांजा पुलिस ने किया बरामद, चार अंतरराज्य गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। ड्रमंडगंज थाना पुलिस को मिली सूचना, बता दें कि चेकिंग के दौरान मिली सफलता, ट्रक ने अंदर बनाए विशेष केबिन में छुपाकर रखा था 2 क्विंटल 85 किलो गांजा उड़ीसा से तस्करी कर ले जा रहे थे प्रयागराज। गांजे के साथ एक में दो तस्कर और रेकी में लगे कार में बैठे दो तस्कर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर किया है खुलासा। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 60 लाख की गांजा के साथ चार अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त ट्रक बरामद कर कार बरामद किया। गांजा ट्रक सभी समेत 1 करोड़ आंकी गई है। उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया गांजा मिर्जापुर से प्रयागराज ले जा रहे थे। एसपी संतोष मिश्र ने इस मामले का खुलासा पुलिस लाइन से पत्रकार वार्ता कर किया है। तस्करों को दबोच लिया है। बता दें कि टीम एसपी 15,000 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया मुखबिर की सूचना पर सीओ लालगंज के नेतृत्व में सक्रिय हुए ड्रमंडगंज थाना स्वाट सर्विलांस एसओजी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहे गांजा को बरामद किया, जिसे ट्रक में बने विशेष केबिन में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में प्रयागराज के आशीष कुमार और संदीप कुमार सिंह तथा जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी कोमल प्रसाद एवं जगन्नाथ को गिरफ्तार किया है। ट्रक में बने विशेष केबिन में गांजा छिपाकर बदमाश निकले थे। ट्रक के आगे कुछ दूरी बनाकर कार सवार रेकी करते हुए चल रहे थे। दोनों वाहनों को पकड़े जाने पर गांजा का पता चला। बरामद गांजा 2 क्विंटल 85 किलो जिसकी कीमत करीब 7 लाख बताई गई है। तस्करों के 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, खासकर जो नशे में डील करते हैं, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम थाना ड्रमगंज टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत का गांजा ट्रक एवं गाड़ी वो सीज की गई है। पूछताछ में ये जो चार बदमाश पकड़े गए हैं, आशीष पांडे, कोमल, जगन्नाथ, संदीप कुमार, इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं। इसके लिए जिस ट्रक का ये प्रयोग कर रहे थे, उस ट्रक में एक स्पेशल केबिन बनाते हैं पीछे गांजा छुपाने के लिए, जिससे कि कहीं पे भी चेकिंग होती है तो बाहर से कुछ सामान रख देते हैं, घरेलू सामान इत्यादि, और अंदर बना के अंदर बॉक्सेस बना के उसमें गांजा फिट करके रखते हैं। टोटल ऐसे करीब 3 क्विंटल गांजा जो है वो पकड़ा गया है, और साथ ही साथ एक कार भी पकड़ी गई है जो कि रेकी के लिए इस्तेमाल करते थे। तो कुल कीमत, अनुमानित कीमत 1 करोड़ की है ये पूरा गांजा ट्रक और इस गाड़ी का। गाड़ी के माध्यम से एक इनका आदमी आगे आगे चलता था, जिससे कि ये चेक करते थे कोई पुलिस या कोई चेकिंग तो नहीं है, और जब नहीं होती थी चेकिंग तो इस गाड़ी को आगे पास कराते थे। जनपद मिर्जापुर में ये थाना ड्रमंडगंज जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे इनको टैकल किया गया। इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, इनकी सघन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान फिर ये गांजा पूरा हमें मिला है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये पूरे गैंग पे इनको जेल भेजने के साथ साथ इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही साथ इन्होंने जो अपराध से संपत्ति अर्जित की है वो भी कुर किया जाएगा। और जनपद मिर्जापुर में नशे के इसी तरीके से अभियान आगे भी चलता रहेगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया। चारों क्या एक दूसरे को जानते थे? चार पकड़े गए हैं, एक दूसरे को जानते थे, और दूसरा ये कहां सप्लाई देने जा रहे थे? ये जनपद प्रयागराज, जिसमें एक आशीष व्यक्ति है जनपद प्रयागराज का रहने वाला है, जो मेन जो खरीदार था, और बाकी जो 3 जो साथीगण थे वो ट्रक में थे, जो अलग अलग जगहों पर पहले भी इस कार्य को कर चुके होंगे अन्य जनपदों में, लेकिन जनपद मिर्जापुर में इन्होंने करने का प्रयास किया तो इनकी धरपकड़ हुई है। और इस गैंग के और भी जो सदस्य होंगे, जो आगे खरीदार होंगे, उन पे भी हमारी टीमें काम कर रही है, और आने वाले फ्यूचर में और भी लोगों को इनके पकड़ के जेल भेजा जाएगा, और साथ ही साथ गैंगस्टर में उनको ही भर्ती किया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।